Hello friends, welcome in my YouTube channel. I hope you all are good, healthy and happy. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि NTRO का जो रिक्रूटमेंट अभी निकला हुआ था, आपने जिसके फॉर्म अभी मार्च में फिल किए हैं, उसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल थी, उसकी शॉर्टलिस्ट रिलीज कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उस शॉर्टलिस्ट को कहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसमें अपना नेम कैसे चेक कर सकते हैं और इसकी कट ऑफ क्या गई है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आप देखिएगा इसको टिल लास्ट। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपनी शॉर्टलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आना है। यदि आपको नहीं पता है कि आपको किस तरह से इस पर वेबसाइट पर आना है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर ओपन कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे साइड में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी शॉर्टलिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसको अब मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट को ओपन कर लिया है। अब आप इसमें ऊपर पढ़ सकते हैं NTRO टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ामिनेशन 2019। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या गई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है वो जनरल के लिए 80 है, OBC के लिए 74 है, SC के लिए 72 है और ST के लिए 66 है। एंड देन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिज़र्व के लिए 88% है, OBC के लिए 82 है, SC के लिए 80 है, ST के लिए 74 है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई गई है, तो यस फ्रेंड्स, इसकी कट ऑफ हाई ही जाती है। 2017 की कट ऑफ भी हाई गई थी, बट फ्रेंड्स 2019 की कट ऑफ 2017 से भी कुछ हाई ही गई है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अपना रोल नंबर देख सकते हैं, ये टोटल 22 पेजेस की लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अपना रोल नंबर सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। यदि आप मेरी पहले की वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि लिस्ट में अपने रोल नंबर को या नेम को किस तरह से चेक किया जाता है। यदि आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं साइड में सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर ही सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है, वो आपको ने जब अपना फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च किया है, तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हाईलाइट हो जाएगा और आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में नेम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ से और कैसे इस लिस्ट को डाउनलोड करना है और उसमें अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे सर्च करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आप सेलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप इसके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जल्दी से जॉब पर लगिए। और फ्रेंड्स, आपका नेम इसमें सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि आपके परसेंटेज कितने हैं और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मोर एज यू कैन एंड हेल्प देम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। So that's all for today, friends. Thank you for watching and listening. Bye-bye. Take care.